نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل أقدة من لساني يفقه قولي دين اسلام میں شهادتين کا کیا درجہ ہے يعني دو जिसके साथ इंसान इस्लाम में दाखिल होता है कोई शख्स शहादत यानी दो गवाहियां दिए बगैर दीन में दाखिल नहीं हो सकता रबुलजत ने इर्शाद फरमाया इन नीनू नजीना आमन बिल्ला व रसूल ही सूरा नूर की आयत नंबर सिक्सटी टू है मोमिन वो लोग हैं जो अल्लाह ताला और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं अगली बात हम देखेंगे दो गवाहियों के हाले से पहली गवाही है इल्लल्लाह की तो इलाहा इल्लल्लाह के क्या मानी है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है ये बात तो सब पर वाजे है कि इसके मानी क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है नॉर्मली इसका तर्जमा किया जाता है कोई माबूद नहीं है तो माबूद तो बहुत पूजे जाते हैं ईसाई तीन खुदाओं को पूजते हैं और इसी तरह से जरतुष्ट मजहब वाले दो खुदाओं के कायल हैं और आपके हमसाये करोड़ों खुदाओं के कायल हैं कि उनके लिए हर वो चीज जो नफा देती है या नुकसान देती है वो खुदा का दर्जा रखती है तो यहां इसके मानी क्या है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है बरहक यानी हक पर नहीं है अगरचे उसे माबूद बनाया जाता है लेकिन उसका माबूद बनाना हक नहीं है क्या कलिमा लाईला ला कहने वाले के लिए कुछ शराय भी है वह बिन मुनबे रही महुल्ला से पूछा गया क्या लाइला अल्लाह ला जन्नत की चाबी नहीं उन्होंने जवाब दिया हाँ क्यों नहीं लेकिन हर चाबी के दंदाने होते हैं अगर तुम ऐसी चाबी लाओ जिसके दंदाने हो तो वो तुम्हारे लिए खोलेगी वगरना नहीं ये सही बुखारी की रिवायत है किताबुल जनाइस की और बाप का नाम है वमन का न आखिर कलामी ही ला कलिमा कलीमा लाइला कहने वाले के लिए कुछ शराय के साथ जन्नत की चाबी बनता जो शराय ये है नंबर एक इल्म, ये पहली शर्त है ला इलाह के मानी का इल्म होना ये कलेमा पढ़ने की शर्त है और जन्नत में जाने की शर्त है यानी ये कलेमा कैसे गैरुल्लाह से उलूत की नफी करता है गैरुल्लाह से मुराद है अल्लाह के सिवा कोई भी वो चाहे कोई बुत हो इंसान हो कबर में पड़ा हुआ हो या गाय हो कोई भी खैरल्लाह से मुराद अल्लाह के सिवा कोई भी और उलोहियत से मुराद अला होने की महबूद होने की मुराद ये की ये कलेमा कैसे अल्लाह के माँ सिवा दूसरों के महबूद होने की नफी करता है यानि उनका इनकार करता है और अल्लाह ताला के लिए साबित करता है यानि अल्लाह ही महबूद बरहक है तो इस चीज को जानना समझना ये पहली शर्त है ला अल्लाह के जन्नत की चाबी होने की यानी इसके बगैर कोई शख्स जन्नत में नहीं दाखिल हो सकता जब तक के ला इला की शराय का उसे इल्म ना हो यह रिवायत सही मुस्लिम की है वन थर्टी सिक्स नंबर पे दूसरी शर्त है यकीन ला इलाह पर दिल से यकीन रखना क्योंकि ये कलेमा शकुको शुभ तरद और तवहमात को कबूल नहीं करता ये बात भी समझने की है कि कलमे के अंदर को शुभात कैसे पैदा होते हैं सादा सी बात है जहां इल्म नहीं होगा शक आएगा इल्म के साथ शकूक रफा होते हैं आप जानते हैं रोशनी का मिजाज है जहां रोशनी आती है अंधेरा दूर हो जाता है दोनों चीजें इकट्ठे नहीं ठहरती तो इल्म नूर है और जिहालत यानी ना जानना ये अंधेरा है तो शक के अंधेरे होते हैं शुभात के अंधेरे होते हैं जिसको इल्म दूर करता है तो यहां से हमें दूसरी शर्त का पता चला क्योंकि ये कलेमा शकु को शुभात तरद और तवहमात को कबूल नहीं करता जैसे शक को कबूल नहीं करता ऐसे तरद तरद किस में होता है दीन के हुक्म को मानने में उसको समझने में और तवहमात कौन से होते हैं जब इंसान के पास यकीन कामिल नहीं होता जब इंसान किसी की चीज से हट जाता है तो फिर उसके पास तवामात के सिवा कुछ नहीं रह जाता इसलिए ये याद रखिएगा कि यकीन इस कलमे की दूसरी शर्त है ला इल्लल्लाह पर दिल से यकीन रखना क्योंकि ये कलमा शकुक शुभात तरदाहमात को कबूल नहीं करता सही मुस्लिम की रिवायत 138 को इस हवाले से देख सकते हैं तीसरी चीज है कबूल इस कलमे के तकाजों को जाहरी और बातनी तौर पर कबूल करना क्योंकि कबूल न करने वाला काफिर है सुर अस्त की आयत नंबर थर्टी फाइव इस हवाले से देख सकते हैं तो यहाँ पे ये बात तवज्जो तलब है कबूल के हवाले से के कलमे के कौन से तकाज़े जाहरी है और कौन से बातनी है बातनी तकजे क्या है बातनी तकाजा मसलन यकीन है बातनी तकाजा क्या है अल्लाह की मोहब्बत और क्या तकाजा है अल्लाह का खौफ और क्या तकाजा है अल्लाह पर तवक्कुल एतमाद और क्या तकाजा है बातनी अल्लाह से उम्मीद बांधना और क्या तकाजा है अल्लाह के साथ मुखलिस होना इखलास तो ये बातनी तकजे इसके अलावा और भी बहुत सारे बातनी तकाजे ये बुनियादी तकाजे मैंने आपके सामने रखे जाहिर तकाजे क्या है कलमा पढ़ने के जाहरी तकाजे ये है कि इंसान दीन के तमाम अहकाम को कबूल करे और उन पर अमल पैरा हो तो दीन के अहकाम पर अमल पैरा होना ये कलेमा लाह ला पढ़ने का तकाजा है तो अगर कोई शख्स जाहिरी तौर पर और बातनी तौर पर कबूल कर लेता है तो वो मुसलमान है और जो कबूल नहीं करता वो काफिर है भले से उसका नाम पैदाइश के रजिस्टर में मुसलमानों के खाने में दर्ज हो या उसके आईडी कार्ड पर रिलीजन के खाने में इस्लाम लिखा हो या दुनिया में उसे मुसलमान समझा जाता हो इससे फर्क नहीं पड़ता अल्लाह के यहाँ उसे मुसलमान की हैसियत में एक्सेप्ट नहीं किया जाता जब तक कि वो कलमे के जाहिर और बातनी तकजों को कबूल नहीं करता आप इसके बारे में देखना चाहे तो सूरा अस्फात की आयत नंबर थर्टी फाइव को देखेंगे चौथी चीज है इनकियाद इनकिया का मतलब है फेल से इतबा करना ट्रंप को उसी तरह से ना देखें तो उसका मफूम बदल जाता है अपने फेल से इतबा करने से क्या मुराद है कि जिस चीज को दिल से कबूल किया जिसका जुबान से तराफ किया उस कलमे के मुताबिक इंसान का अमल भी ढल जाए यानी जैसे जाहरी तकाज़े हैं ना तो जाहरी तकाज़ों पर अमल पैरा होना ये इनकियाद है और बातनी तकाज़े हैं तो बातनी तकाज़ों पर अमल पैरा होना ये इनकियाद है और जैसे अल्लाह के अहकाम पर अमल पैरा होना है इसी तरह उसके मना करदा कामों से रुक जाना ये भी इनकिया ही का हिस्सा है सूर लुकमान की आयत नंबर बाईस इस हवाले से आप देख सकते हैं पांचवी शर्त है सिदक सिद्क कहते हैं सच्चाई को लाइला ला के इकरार में इंसान इतना सच्चा हो कि उसकी सदाकत झूठ और निफाक के मुनाफी हो अल्फत की आयत नंबर ग्यारह से देख सकते हैं ये बात समझने की सदाकत का ताल्लुक महज अल्फात से नहीं होता जो अल्फाज इंसान जुबान से बोलता है वो भी सच्चे होने चाहिए लेकिन उस सच्चाई का सरे रिश्ता जुड़ा हुआ है कल्ब के साथ जब तक दिल के अंदर सच्चाई नहीं उतरती सिर्फ मुंह के अल्फाज हैं जो सच्चे नहीं हो सकते दूसरी तरफ जो कुछ इंसान अपनी जुबान से कहता है उसका ताल्लुक इंसान के अमल से जुड़ा हुआ होता है जैसे हर दावा सबूत चाहता है ऐसे ही इल्लल्लाह का दावा भी सबूत मांगता है कि अगर तुम अल्लाह को एक रब मानते हो तो अपनी जिंदगी में उसके अहकाम की कितनी पैरवी करते हो कहां तक आपने अमली तौर पर इसे कबूल कर लिया तो यूं हम देखते हैं दिल की सच्चाई जुबान की सच्चाई और अमल की सच्चाई के साथ इंसान ला इलाह के दावे में सच्चा साबित होता तो सिद्क से मुराद है ला इलाह के इकरार में इंसान इतना सच्चा हो कि उसकी सदाकत झूठ और निफाक के मुनाफी हो अब ये दूसरी बात देखने की है कि झूठ के, के मुनाफी होने से क्या मुराद है झूठ का मामला भी महज़ ज़ुबान का मामला नहीं है इंसान जुबान से भी झूठ बोलता है लेकिन उसका झूठ तब झूठ बनता है यानी वो झूठ में और आगे बढ़ जाता है जब दिल में भी वही बात हो जो जुबान पर हो और अमल में भी वही बात हो अब आप देखिए कि जैसे निफाक की पहली निशानी भी झूठ है इसी तरह से निफाक की दूसरी दो निशानियां भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की तीन निशानियां बताई कि जब वो बात करे तो झूठ बोले जब वो वादा करे तो वादा खिलाफी करे जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो खयानत करे यानी माली खयानत भी और जिम्मेदारियों को अदा करना भी दरअसल अमानत को अदा करना है तो जो शख्स जिम्मेदारी कबूल नहीं करता या जिम्मेदारी कबूल तो कर लेता है लेकिन उसका हक अदा नहीं करता वो भी कायन है इसका मतलब यह है कि वो ला इल्लल्लाह की शर्त को पूरा ही नहीं कर रहा तो लाला ला की कौन सी शर्त है जो मुतासर होती है वो शर्त सिद्क की है कि इंसान अपने इस कौल में सच्चा नहीं है अपनी बात में सच्चा नहीं है तो ऐसी सदाकत हो जो झूठ और निफाक के मुनाफी हो निफाक के हाले से एक और बात देखिएगा सादा सी डेफिनेशन है इसकी कि इंसान वो बात कहे जो उसके दिल में ना हो यानी दिल और अमल दोनों मुख्तलिफ हो उनके महाज मुख्तलिफ हों और इसके बारे में कहा जाता है कि अंदर कुछ और हो बाहर कुछ और और अंदर बुराई हो और बाहर अच्छा ही हो यह निफाक है तो लाइला ला कहने में इंसान तब सच्चा हो सकता है जब इंसान का दिल भी गवाही दे और इंसान का अमल भी उसके मुताबिक हो अमल भी गवाही दे वजह से इकबाल ने कहा लुगत गरीब जब तक तेरा दिल ना दे गवाही यानी ये तो अजनबी जुबान के अल्फाज हैं अगर आपका दिल नहीं बोलता तो दिल में ये सच्चाई कैसे उतरती है इल्म के तवस्त से कि ला इला के मानी का इल्म हो इसकी शराय का इल्म हो इसके तकाजे निभाने का इल्म हो कि कैसे इसके तकाजों को पूरा किया जाए इसके बगैर इंसान सच्चा नहीं हो सकता सच्चा अमल नहीं कर सकता तो पांचवी शर्त हमने देखी छठी शर्त है ला ला की गवाही से अल्लाह की रजा का इरादा हो सूरा की आयत नंबर पांच में इसे देख सकते हैं इखलास का मतलब है खोट से पाक होना जब एक इंसान कोई काम करता है वो काम किस गर्ज से अंजाम देता है उसका मकसद क्या है किसी काम को अंजाम देने का मकसद इस चीज का तयन करता है कि काम खालिस है या नहीं मसलन अब देखिए हमें दुनिया में तो इखलास के बारे में खूब अच्छे तरीके से पता है खालिश चीज कैसी होती है मिसाल के तौर पर सोने में खोट मिली हुई हो तो जाहिर है कि वो सोना खालिश नहीं कहलाता चलिए मिर्चों में मिलावट हुई हो तो मिर्चें खालिश नहीं कहलाती नमक खालिश नहीं कहलाता दूध खालिश नहीं कहलाता और अगर मोहब्बत में भी एक इंसान सच्चा ना हो तो मोहब्बत भी खालिश नहीं कहलाती रिश्तों में खोट आ जाता है तो वो रिश्ते भी खालिस नहीं रहते तालुकात में खराबी आ जाती असल में जो चीज बदलती है पहले नीयत दिल का इरादा मकसद बदल जाता है इंसान का इस दीन में कोई काम ऐसा नहीं जो दीन के दायरे से बाहर हो इंसानी जिंदगी का कोई काम ऐसा नहीं जिसको इंसान ये कह सके कि इस मामले में तो अब दीन का कोई ताल्लुक नहीं ऐसे काम है जो वाजिब है ऐसे भी काम है जो मोबा है मुबाह काम वो होते हैं कि जो इंसान के लिए करने ना गजीर है खाना खाना ना गजीर है अब खाना खाने के लिए इंसान जो मुशक्कत करता है ये सारे मुबाह काम है खाना बनाना खाना बनाने के बाद खाना खिलाना सारे मुबाह यानी जायज उमूर है अब ये कि रोजी कमाना है जायज़ अमर है ज़ाहिर हर एक को चाहिए लेकिन यही काम इबादत बन जाते हैं जब इसमें इखलास शामिल होता है मिसाल के तौर पर नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया सच्चा ताजर अल्लाह के अर्श के साय तले होगा जिस दिन कोई साया नहीं होगा इसका मतलब ये कि तिजारत तजारत इलाहा अल्लाह के तकाजों के मुताबिक की अल्लाह से अजर पाने के लिए अल्लाह की रजा के लिए की अब यही तजारत जो है उसके लिए इबादत बन गई इस पर अजर मिलेगा इसी तरह से नबी वसल्लम ने फरमाया कोई लुकमा जो एक शख्स अपनी बीवी के मुंह में देता है वो लुकमा भी उसके लिए अजर का बायस है यानी आपस की मोहब्बत तो है हकूक फरयज की अदायगी भी है लेकिन अगर उसने ख़ालिस अल्लाह की रजा के लिए ये काम किया तो इस पर भी अजर सवाब है तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो काम जो मुसलमान इस्लाम कबूल करने के बाद अंजाम देता है नीयत की वजह से नीयत में अखलास की वजह से इबादत बन जाते वो आदत नहीं रहते तो ये इखलास की शर्त है इस इखलास के साथ इल्लल्लाह के तकाजे निभाए जा सकते हैं इसके बगैर नहीं तो खालिस चीज वो होती है जिसमें खोट ना हो खोट कैसे आती है दीन में खोट कैसे आती है रियाकारी से इंसान दिखावे के लिए करे नमूदो नुमाइश के लिए करे किसी और की रजा के लिए करे मिसाल के तौर पर जैसे नमाज जैसा फेल है इंसान अल्लाह की रजा की बजाय लोगों के दिखावे के लिए करे कि लोग मुझे नमाजी समझें अच्छा समझें तो वो नमाज अल्लाह के यहां कोई दर्जा नहीं रखती उस पर पकड़ है क्योंकि ये शिरक है कि इंसान रियाकारी करे नबी वसल्लम ने फरमाए मनसल रकत अशरका जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी उसने शिरक किया और शिरक को तो अल्लाह ने किसी सूरत माफ करना ही नहीं है इसी तरह से जैसे नमाज के बारे में हमने देखा एक शख्स दुआ मांगता है दुआ में आंखों से आंसू भी बह रहे हैं इंसान सिसकियां लेकर भी दुआ कर रहा है लेकिन उसकी नीयत यह है कि लोग कहें क्या दुआ करवाई है कि शख्स बड़ा नेक जब नीयत खराब हो गई तो ऐसी दुआ पर पकड़ है अगरचे दुआउ मुख दुआ इबादत का मगज है जैसे ब्रेन है इबादत का लेकिन अगर वहां भी कोई वायरस आ गया तो सारी इबादत गई और नुकसान तो लाजिम है मिसाल के तौर पर आपका बहुत अच्छा फर्नीचर है या कोई डोर है जहां पर दीमक लग गई दरवाजा बाजहर तो ठीक ठाक दिखता है फर्नीचर भी ठीक ठाक दिखता है लेकिन अंदर अंदर क्या हो जाता है अंदर अंदर वो सारा कुछ खाया जाता है और कोई वक्त आता है कोई हाथ भी लगाए तो नीचे आ जाता है यू ही इंसान का इस्लाम का मामला है जिसमें कोई काम इंसान अगर अल्लाह की रजा के लिए नहीं करता किसी और की खुशी के लिए करता है तो उसका इस्लाम खोखला हो जाता है दीमक की तरह ये एहसास या किसी और के लिए की जाने वाली नीयत जो है उसको खुन की तरह चाट लेती है वो अमल अल्लाह के यहां कबूल नहीं होता उसकी कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए खिलास जरूरी है मिसाल के तौर तो पर एक औरत जो है अपने शोहर की खुशी की खातिर कोई काम करती है तो शौहर की खुशी की खातिर किए जाने वाले काम पर अजर नहीं है क्योंकि दीन में किसी की खुशी अल्लाह की खुशी के ऊपर नहीं हो सकती हाँ एक सूरत है अगर कोई औरत अपने शौर को अल्लाह की रजा की खातिर खुश करना चाहती है और उसने एन खुश करने से पहले यह नियत की है खालिस नियत कि या अल्लाह ये सिर्फ तेरी रजा के लिए ये मैं अपने दिल की खुशी की खातिर नहीं कर रही आपकी रजा के लिए तब वो काम अल्लाह के लिए खालिस होता है अच्छा एक और जगह जहां से बहुत ज्यादा खोट आता है वो खुद इंसान का अपना नफ्स इंसान ज्यादातर काम अपने नफ्स की रजा के लिए करता है दिल की मर्जी के तहत मेरा यह दिल चाहता है मैं फुला काम कर लो तो फिर अपने नफ्स से कही आप इस पर अजर भी दे दो इसको कबूल भी कर लो उसके पास तो कोई इख्तियार नहीं है दो चीजों में जिंदगी में टाई पड़ी हुई है या अल्लाह की मर्जी या किसी और की मर्जी चाहे वो अपने नफ्स की हो या किसी की गैर की मर्जी काम वो खालिस होता है जो अल्लाह की रजा अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अंजाम दिया जाए तो लाला ला की शराय में से वो शख्स मुसलमान होगा जो इखलास की शर्त को पूरा करेगा हर काम फकत अल्लाह की रजा के लिए करे फिर वो मुसलमान हो सकता है फिर वो तकाज़े पूरे कर सकता है ये शर्त है मुसलमान होने की कि उसने जो काम करना है अल्लाह को राजी करने की नियत से करना है इसी मकसद के तहत करना तो इखलास ये है कि लाइला ला की गवाही से अल्लाह की रजा का इरादा हो यानी अल्लाह को राजी करने का अल्लाह को खुश रखने का मकसद हो रब ने इस पाक कलाम में फरमाया कुल नुसुखी व महिया या आप कह दो यकीनन मेरी नमाज मेरी कुर्बानी मेरा जीना मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल रबालमीन के लिए है। यह है इस्लाम यहाँ किसी की खुशी अल्लाह की खुशी के ऊपर नहीं है अल्लाह की खुशी के बराबर नहीं है हर एक की खुशी बहुत नीचे है अल्लाह की रजा के लिए किसी को खुश किया जाए वही चीज काबिल कबूल है वरना इंसान उसी के हवाले कर दिया जाता है जिसकी रजा के लिए वो जीता जिसकी खुशी के लिए वो काम करता है तो यहाँ छठा उसूल हमने देखा इखलास और सातवां उसूल है सातवीं शर्त है अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रब से मोहब्बत की यह अलामत है कि बंदा अल्लाह तला की महबूब चीजों को तरजीह दे अल्लाह की मोहब्बत की अलामत क्या है अल्लाह की महबूब चीजों को तरजीह देना अगरचे वो उसकी ख्वाहिश के खिलाफ हो और इसी का तकाजा है कि मोहम्मद अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए उनके तिबा की जाए और उनकी सीरत को अपनाया जाए देखना चाहे बुखारी की रिवायत का नंबर है सिक्सटीन और इसी रिवायत को आप देख सकते हैं अशहादतान में पेज नंबर वन जीरो सिक्स से वन थर्टीन तक ये सातों रिवायात सातों शरात अशहदतान किताब में मौजूद है यही सातों शराय नजरतम नईम में भी मौजूद है इसी तरह से यही सातों शराइत हमारे असलाफ की अकायद की तमाम किताबों में मौजूद है यानी अकीदे की जो बुनियादी किताबें हैं दुरुस्त किताबें हैं यही कलेम्ला की शराय है इस सातवीं शर्त को हम समझेंगे अल्लाह ताला और उसके रसूल से मोहब्बत मोहब्बत का दावा तो हर एक कर लेता बड़ा आसान है कि मुझे बड़ी मोहब्बत है अल्लाह से या मुझे रसूलुल्लाह से बहुत मोहब्बत है अलामत यह है कि बंदा अल्लाह की महबूब चीजों को तरजीह दे मोहब्बत की अलामत क्या है प्रेफरेंस इंसान किसको प्रेफरेंस देता है जिसको तरजीह देता है जिसको पहली प्रियोरिटी पे ले आता है वही उसका रब है वही उसका माबूद है इंसान उसी की इबादत करता है इंसान उसी को बड़ा बनाता है उसकी जुबान के सारे दावे बेबुनियाद हैं जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि जिससे तू मोहब्बत रखे वो तेरा माबूद, जिससे तू उम्मीद रखे वो तेरा माबूद, जिससे तू खौफ रखे वो तेरा माबूद, जिस पर तू एतमाद करे वो तेरा माबूद और जिंदगी में कितनी ज्यादा जरूरत है ये देखने की कि हमने कितने मबूद बना रखे इससे बड़ा क्या शिरक होगा इंसान रब की मोहब्बत का दावा करे और मोहब्बत जैसा कीमती जज्बा किसी और के नाम लगा दे इंसान की जात में अल्लाह की जात से मोहम्मद रसोल्ला सलाम की जात से मोहब्बत किए बगैर खला पैदा हो जाता है जिसे हाफिज अपने कयम कहते हैं ये फाका है जैसे इंसान फाके से होता है ना भूखा होता है और भूख में पेट के अंदर ऐसा गढ़ा पैदा हो जाता है भूख की शिद्दत में कि इंसान बोल भी नहीं सकता ये जो साहब कराम पत्थर बांधा करते थे ना फाके की हालत में पेट के ऊपर इसी वजह से बांधते थे कि इंसान के लिए चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल हो जाता है फाके की हालत में तो अल्लाह की मोहब्बत के बगैर मोहम्मद सल्लाह की मोहब्बत के बगैर हर इंसान की शख्सियत में एक खला पैदा हो जाता है इस खला को कोई कैसे पुर करता है फिर गैरुल्ला की मोहब्बत से पुर करता है फिर इंसान उसके लिए कितने ही तरीके अख्तियार करे कहीं चैन नहीं मिलता जैसे देखिए हमारे यहाँ कितने गलत बातें राइज हैं मौसीकी रूह की गजा है कि मौसीकी की वजह से आपकी रूह को चैन मिल जाएगा फिर यह कहा जाता है जैसे औलाद की मोहब्बत से इस खला को इस फाके को पुर करने की कोशिश की जाती है फिर कहीं शौहर की मोहब्बत है कहीं बीवी की मोहब्बत है कहीं दोस्तों की मोहब्बत है कहीं मां बाप की मोहब्बत है कितनी मोहब्बत है दुनिया भर की मोहब्बतें इकट्ठी कर लीजिए अल्लाह ताला क्या कहते हैं अगर तुम इस्लाम लाना चाहते ला, कोई मोहब्बत नहीं सिवाह के कोई खौफ नहीं किसी भी चीज का खौफ अगर हावी है चाहे वह एक छिपकली क्यों ना हो या कॉकरोच की होना हो क्योंकि इंसान जिससे खौफ खाता है वो उसका रब है उसका माबूद है लेकिन उसकी कुछ शराय भी यहां आ गए छिपकली से कोई इसलिए खौफ नहीं खाता कि उसकी जिंदगी में कोई गाइडलाइन दे या उसकी कोई रहनुमाई करे लेकिन बुध कौन सा रहनुमाई करते हैं या कोई कब्र में पड़ा हुआ इंसान कैसे रहनमाई कर सकता बात छिपकली की हो कॉकरोच की हो या किसी बड़ी सुपर पावर की हो जिससे आप खौफ खाओ वो आपका रब है वो आपका माबूद है तो माबूद जो है ये खौफ की बुनियाद पर बनता है मोहब्बत की बुनियाद बनता है जैसे इंसान जिन से मोहब्बत रखता है अगर किसी खत्ते से मोहब्बत इतनी की कि वो मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत पर उसके दीन की मोहब्बत पर उसके रसूल की मोहब्बत पर हावी आ गई तो खत्ते की मोहब्बत जो है वो भी खुदा है वो खत्ता ही खुदा बन जाता है इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है इकबाल ने कहा था कि ये जो वतन की मोहब्बत है जिसको अंदर पिलाया जाता है यह भी एक स्टेज पे आके बुत बन जाता है इसीलिए इस्लाम नेशनलिज्म की मुखालफत करता है असल चीज नेशन नहीं है असल चीज इस्लाम है इस्लाम ऐसी अखुवत सिखाता है जिसमें कोई शख्स दुनिया के किसी भी गोशे में हो वो आपका भाई है वो आपका है आप उसके हो उख़ुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में तो दिल्ली का हर पीरो जवान बेताब हो जाए तो मुसलमान तो जहां कहीं भी बसते हैं जहां वो तकलीफ में होंगे हमें तकलीफ में आना चाहिए तो अब देखिए रिश्ता वो है जो रब से ताल्लुक की बुनियाद पर उसवार होता है रिश्ता वो है जो रब की मोहब्बत के साथ मोहम्मद रसुल्ला सल्हम की तालीमत के साथ गुंदावा वही रिश्ते काबिल कबूल हैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत इस मोहब्बत पर जो मोहब्बत गालिब है दरअसल वही इंसान का मबूत है شوہر کی محبت ہے چاہے والد والدك هبتها، والدة كيما محبت family members كي دليل اسكي عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين तुम में से कोई शख्स ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक के मैं उसे उसके वालदेन उसकी औलाद और दुनिया के तमाम इंसानों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हर मोहब्बत से जब तक ऊपर नहीं चली जाती ईमान काबले कबूल नहीं है और यह कलमा की शर्त है इसके बगैर कोई इस्लाम नहीं कबूल कर सकता अब आप देखिएगा के बात है अलामत की तो अलामत इसकी क्या है अलामत है प्रेफरेंस कि आप किस चीज को प्रेफरेंस देते हैं अपनी बात को अपनी जात को जिससे मोहब्बत है उसको पाल की मोहब्बत है घर वालों की मोहब्बत है इसी तरह घर की मोहब्बत है तिजारत की बिजनेस की मोहब्बत कोई भी मोहब्बत सूरह तबा की आयत नंबर चौबीस में इज्जत ने फरमाया कुल इनका नुकुम वो अब न हु कह दो अगर तुम्हारे बाप तुम्हारे बेटे तुम्हारे भाई तुम्हारी बीविया और तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाए हैं और तुम्हारी वो तिजारत जिसके मांद पड़ जाने का तुम्हें खौफ है और तुम्हारे घर जो तुम्हें बहुत महबूब है अगर अल्लाह उसके रसूल और उसके राह में जिहाद से ज्यादा अजीज हो जाए वो बसू फिर इंतजार करो अल्लाह अल्ला अल्ला तब को और मुसलमानों को महफूज फरमाए अपने गजब से और अल्लाह तमे दीन को समझने की पूरी तोफी कता फरमाए अब इसके हवाले से ये बात भी खास है तरजीह के हाले से अगरचे वो उसकी ख्वाहिश के खिलाफ हो यानी बाजुकत यह होता है आप किसी चीज को प्रेफरेंस दे रहे हो आपका दिल नहीं मानता ना माने दिल ना मानने के बावजूद भी प्रेफरेंस दिए इसका बहुत अजर है कोई शख्स ये कहता है जब मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं प्रेफरेंस दूं या मैं ये काम करूं तो कैसे कर लू दिल मानेगा तो करेंगे दिल माने या ना माने मुसलमान वही हो सकता है जो अल्लाह और उसके रसूल को तरजीह दे उनकी मोहब्बत को तरजीह दे इसी का तकाजा है कि मोहम्मद रसुल्ला सल्ला से मोहब्बत की जाए पहली बात उनकी इतबा की जाए यानी उनकी पैरवी की जाए उनकी सीरत को अपनाया जाए इसीलिए इज़्ज़त ने इर्शाद फरमाया लकद का नकुम फी रसूल ही उस हसना तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लाह वसलम की जिंदगी में बेहतरीन थु नमूना सई बुखारी की छत्तीस नंबर रिवायत हमने देखी और अशहादतान वन जीरो सिक्स से वन थर्टीन तक आठवीं शर्त मुख्तसर शरा अरकान इस्लाम में है और वो यह है अल्लाह के सिवा जिनकी इबादत की जाती है उनका कुफ्र करना कुफ्र से मुराद इंकार करना यह सिर्फ जुबान का इनकार नहीं रिजेक्ट करना के माँ सेवा जिन जिन की इबादत की जाती है उनका कुफर करना सही मुस्लिम की 130 नंबर रिवायत में आप देख सकते हैं मोहम्मद अलैहि वसल्लम की गवाही का मतलब और उसकी शराय देखेंगे हजरत मोहम्मद वसल्लम के रसूलुल्लाह होने की गवाही का मतलब है नंबर एक जुबान से इकरार के साथ दिल की गहराइयों से तस्दीक करना कि मोहम्मद अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि जिनों और तमाम इंसानों के लिए रसूल है सूर अल्लाहब की आयत पैतालीस और छियालीस आप इस हवाले से देख सकते हैं यहाँ अल्लाह की तरह मोहम्मद की भी वही शराय है बेसिकली पहले तो हमने ये आठ शराय देखी है वो यहाँ भी अप्लीकेबल है लेकिन यहाँ पे ये यह कि एक तो जुबान से करार के साथ दिल की गहराइयों से तस्दीक करना लेकिन रसुल्लाह को क्या तस्लीम करना अल्लाह का बंदा अब्द हु व रसूल अब्द पहले हैं रसूल बाद में जैसा कि कुरान में आता है सुबह असरा भी अब्दही पाक है वो जात जो ले गया है एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से दूर की उस मस्जिद तक जिसके माहौल को हमने बरकत दी अब का मतलब है बंदा अल्लाह ताला ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसीलिए उन लोगों में से उठाया उन्हीं के घिराने में पैदा किया जिन लोगों ने दुनिया की इमामत करनी थी जिनके तवस्त से अल्लाह ताला ने दीन को दूसरों तक पहुंचाना था बंदा होने का मतलब क्या है अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह ताला ने उन्हें इंसानों में से बनाया है और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि जिन्हों और तमाम इंसानों के लिए रसूल है तो आप वसल्लम की रिसालत का सिलसिला जारी है यानी दुनिया में कयामत तक जो इंसान भी अब रसालत पर ईमान लाएगा वो मोहम्मद रसोल्ला सलाह वसलम की रिसालत पर ईमान लाएगा इनशाला इसी का पहला सब पॉइंट है नबी सल्लाह वसलम ने माजी और मुस्तबिल के हालातों वाकत के बारे में जो खबरें दी सब की तस्दीक करना ये रसोल्ला सल्लाम की गवाही देने की शर्त नजम की आयत नंबर तीन और चार देख सकते हैं जिसमे रबुल्जत ने फरमाया यंतिकु अनिल आप अपनी मर्जी से लब कुशाई नहीं करते इन हुआ वही यूहा आप वही कहते हैं जो आपकी तरफ वही की जाती है यानी वही की बात करते हैं अपनी मर्जी की बात नहीं करते इसलिए माजी की कोई खबर दी है यानी पिछली कौमों की जो खबर दी है और मुस्तकबिल की जैसे आप वसल्लम ने आने वाले जमानों में से कयामत के दौर की बहुत खबरें दी हैं क्यामत की जो अलामत है या फितनों के दौर की जो अलमत है आप वसल्लम ने जिस नोयत की जो खबर दी है उसमें किसी किस्म का शक ना करना क्योंकि वो किसी इंसान की खबर नहीं है वो दरअसल अल्लाह की तरफ से दी जाने वाली खबर और रसूल तो रब का नुमाइंदा होता है दूसरी चीज है नबी सल्लाह ने जिन उमूर को हलाल किया है उन्हें हलाल और जिन्हें हराम कहा है उन्हें हराम समझना ये अल हशर की आयत नंबर सात से देख सकते हैं हलालो हराम में रसोल्ला सल्लाम को अथॉरिटी तस्लीम करना यानी असल अथॉरिटी अल्लाह की है ना और अल्लाह की हलालो हराम की स्कीम को नाफिज किसने किया मोहम्मद रसोल्ला सल्ला जैसे दीन के तमाम अहकाम पर रसुल्ला अमल पैरा होना बताया इसलिए जिसे रसुल्ला ने हलाल करार दिया वही हलाल है जिसे आपने आपने हराम हराम करार दिया वही है है मुराद इससे क्या है? कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिन चीजों को हलाल के तौर पर वाजे कर दिया जिनकी गिरा खुल गई जिनको इस्तेमाल करना जायज है वही हमारे लिए हलाल है और जिनको आपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हराम करार दिया वही हमारे लिए हराम है उनको गिरा लगा दी गई अब हम उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते हमारी सोसाइटी में अगर किसी को पता चले कि फलां चीज मसान चिप्स हैं सुअर की चर्बी में फ्राई किए गए तो लोग कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है ऐसे लोग कहते रहते हैं यानी तकल्लुफ ही नहीं करते कि ये चीज वाकई हराम है या नहीं और अगर पता भी चल जाए तो लोग कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है वो तो फ्राई हो गया वो तो गया, उसमें वो चीज थोड़ी बाकी रह गई इसी तरह से जब यह पता चलता है कि फुलान ड्रिंक ऐसा है जिसमें पेप्सिन एंजाइम है और उसकी वजह से चूंकि वो सुअर के स्टमक के अंदर से लिया गया इसलिए उसका पीना हलाल नहीं है तो लोग कहते हैं अच्छा क्या पता फिर अच्छा फलान ड्रिंक जो है वो भी इसी कलर का है फुलां भी इसी कलर का है तो ये चीजें हराम है यह हलाल हम क्या कह सकते हैं सऊदीया में फलान ड्रिंक क्यों पिया जा रहा है फलां मुल्क में क्यों है फुलां मुल्क में क्यों फलां क्यों पी रहा है हलालो हराम के मामले में सीरियस नहीं है तो सीरियस होना ये ला की शर्त है ये मोहम्मद अलैहि वसल्लम की गवाही देने की शर्त है हलाल हराम के हमारे उसूल नहीं हो सकते दीन में वो हलाल है जिसे अल्लाह ने हलाल किया और दीन में वो हराम है जिसे अल्लाह ने हराम किया तो किसी और इंसान को ये हक नहीं है चाहे वो टीवी पे आके कोई खुतबा दे दे या दुनिया का लीडर बन गए कि फुला चीज जायज हो गई सारी इंसानियत पे मिल जाए अल्लाह के हलाल को हराम नहीं ठहरा सकते और अल्लाह के हराम करदा को हलाल नहीं ठहरा सकते तो यह बड़ा सीरियस नौत का मामला है तीसरी बात है नबी सल वसल्लम ने जिन कामों का हुक्म दिया है उनकी इतात करना और जिनसे मना किया है उनसे बाज रहना की आयत नंबर एटी है चौथी बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करना अल इमरान की आयत नंबर थर्टी वन में इज्जत का इर्शाद है कुल इन तुम तो अल्लाह फी उब कुम्ला कह दो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इतबा करो अल्लाह तुमसे मोहब्बत रखेगा वो यक फिर जुनूब और तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह मौफ कर देगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतबा शर्त है इस गवाही की आपकी सुन्नत की पैरवी करना तो सुन्नत इतना सादा मामला नहीं है कि उसको ना सीखा जाए ना उसका इल्म हासिल किया जाए ना उसे अपने लिए नागजीर समझा जाए ना उसके मुताबिक चला जाए और अपने आप को मुसलमान समझते रहे ये महज गलत फहमी है इसके सिवा कुछ नहीं कोई शख्स मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतबा से निकलता है वो मुसलमान नहीं हो सकता ये मामलाते हैं अल्लाह के हाथ में हम तो ला अला और मोहम्मद रसोल्ला सल्लाम की शराय पढ़ रहे हैं कि शर्त यह है कि मोहम्मद रसल्ला सल्लाम की पैरवी करनी है इसके बगैर किसी का इस्लाम तस्लिम नहीं किया जाएगा ये पैरवी कहा इबादात में भी अखलाक में भी मामला में भी हर फील्ड में हर जगह इसलिए आप सल्लाह सल की सुन्नत आपकी हदीस को सीखना लाजिम है इसके बगैर कैसे सुन्नत का पता चले जिस बात का इल्म नहीं है उस पर अमल कैसे होगा अमल तो वही होगा जिसका इल्म होगा इसी तरह से पांचवी बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फैसले को दिल से तस्लीम करना और ये अकीदा रखना कि आपकी इतात अल्लाह तथा आपकी नाफरमानी अल्लाह की, की, की नाफरमानी अल्ला ना है बुखारी की सात हजार दो सौ अस्सी नंबर रिवायत से देख सकते हैं बात है फैसले की फैसले को तस्लीम करना आपने जो कह दिया वो बरहक है आपका हर फैसला सर आंखों पे रखना और ये अकीदा रखना कि रसल्ला की तात ही अल्लाह की तात और रसल्लाह की नाफरमानी दरअसल अल्लाह की नाफर मानी है यह लाला मोहम्मद रसल्लाह की शराय में से छठी बात ये अकीदा रखना है कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त तक वापस नहीं बुलाया जब तक कि उन्होंने दीन को मुकम्मल तौर पर पहुंचा नहीं दिया और दीन की तकमील कर दी अल अलमाइद आयत नंबर थ्री में रबुलजत का फरमान है अल अकमल तो अकुम दीनकुम कि आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया वह अतम तु अलीम न तुम पर अपनी नेमत मैंने तमाम कर दी वर अजीत इस्लामी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद किया दीन मुकम्मल है अब इसमें किसी इजाफे और किसी कमी की गुंजाइश नहीं है अब अगर कोई ये कहे कि चलो कोई बात नहीं नेकी का काम है नेकी का कोई काम नहीं हो सकता जब तक के मोहम्मद रसुल्ला की स्टैंप ना लगी हो वही काम नेकी होगा जो रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक जो चीज रसोल्ला की सन्नत से हटी हुई है उसे नेकी नहीं कहा जा सकता फिर वो क्या है उसके मुख्तलिफ दराजात हैं इनशाला हम देखेंगे जैसे गुलफ अकीदत में हद से बढ़ जाना इसी तरह से बिदात इसी तरह शिरक इसी तरह फिस के काम इसी तरह जुल्म के काम कुछ भी हो वो नेकी नहीं हो सकता मसलन हमारे यहां कितने ही काम है जिनको नेकी समझकर किया जाता है इनशाला हम वो सारे काम स्टडी करेंगे कि वो कौन से काम है जिनको नेकी समझ के किया जाता है लेकिन मोहम्मद रसोल्ला सल्ला की सुन्नत के मुताबिक नहीं हम कोई भी बात अपनी मर्जी से नहीं देखेंगे हक देखेंगे रब ने इस बारे में क्या फरमाया हम ये देखेंगे मोहम्मद रसुल्लाम ने इसके बारे में क्या फरमाया दिन तो यही है दीन के लिए यही बेसिक हैं। बाकी तमाम चीजें इसके बाद आती तो जब फैसला अल्लाह की किताब कर दे जब फैसला मोहम्मद रसोल्ला की सुन्नत कर दे तो फिर और फैसलों की जरूरत नहीं अगर उसके मुताबिक है कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो एक्सेप्टेबल है अगर नहीं है तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं है चाहे वह कोई दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान हो उसकी बात तस्लीम करने के काबिल नहीं है सातवीं बात है अल्लाह ताला की इबादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए तरीके के मुताबिक करना मुस्लिम की रिवायत है चार हजार चार सौ तिरानवे नंबर पर यह बात भी अहम है कि इबादत के लिए मर्जी का तरीका नहीं कि मैंने अपनी अम्मी को ये करते देखा या अब्बा को या मौलवी साहब ने कहा या फलाह ने कहा या फला साहब ऐसे कहते हैं रसुल्ला ने उसूल मुकर कर दिए मसलन नमाज के बारे में उसूल क्या है सल्लू कमारोनी उसल्ली नमाज उस तरह पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हम कहां से देख सकते हैं हदीस रसूल से हमें रसुल्ला की सही अहादीस से बिल्कुल बे नहीं ये पता चलता है कि वसल्लम ने अपनी नमाज कैसे अदा की थी हज के बारे में रसोल्ला सलाहलम ने फरमाया खुजू अन्नी मनासी अपने मनासे के हज मुझसे सीखो मनासिक वो नहीं है जो तुमने अपने बाप दादा से सीखे थे दौरे जाहिलियत में और आज उन्हें अप्लाई कर रहे हैं। मनासिक वो है यानी जो नबी सक वही है जो आप सल्लाह ने नहीं किया नहीं बताया वो हक नहीं है क्योंकि रसुल्ला की इतबा का अल्लाह ने हुक्म दिया और किसी और की इतबा का रब ने हुक्म नहीं दिया आखिरी अथॉरिटी हमारे लिए अमल के तबार से की इल्म अमल जो कुछ भी है हमारा हर रिश्ता उनसे जा जुड़ता है और इसमें इख्तलाफ नहीं है मुसलमानों के अंदर इख्तिलाफ इसके बाद वाले मामला में लोग कहते हैं कि हम दीन इस्लाम पर मुतहद कैसे हो सकते हैं नबी सल्लाम को यह हुक्म दिया गया हिरकुल को आपने खत लिखा तो आपने दावत दी और दावत देते हुए आपने सूर आल इमरान की याद तहरीर की कुल या अहल किताब कह दो एहल किताब ताल उत इन सवा इम कह दो आओ अहल किताब उस कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है दुनिया में सिर्फ मुसलमानों के अंदर नहीं मुसलमान हो या काफिर आज दुनिया के पास इसके सिवा कोई इतिहाद की ग्राउंड नहीं है यही इतिहाद की बुनियाद लोग इसी पर इकट्ठे हो सकते हैं जहां भी इकट्ठे होंगे कल भी इसी तरह लोग इकट्ठे हुए थे आज भी ग्राउंड यही इख्तलाफ इसके बाद शुरू होता है जहां पर जजवियात में लोग पड़ जाते हैं इसलिए जजवियात में पड़े बगैर एग्जैक्ट दीन की तरफ आ जाए यही इत्तेफाक का रास्ता है अल्लाह ने मोहम्मद रसुल्ला वसल्लम को कयामत तक के लिए रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए क्यों रसूल बनाकर भेजा इसीलिए कि रहती दुनिया तक इन्हीं की जात के तवसत से इतिहाद कायम होता रहे क्लियर होगी बात आठवीं बात यह है ये अकीदा रखना कि आप अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को रोशन रास्ते पर छोड़ गए ये अबू उदाऊद में देख सकते हैं चार हजार छह सौ सात नंबर पर रोशन रास्ते से मुराद क्या है इल्म के रास्ते पर यानी जो कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी में करना है अब कुछ भी छुपा हुआ नहीं है क्या रब ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिराज मुनीर नहीं कहा सिराज सूरज को कहते हैं और मुनीर रोशन को रोशन चराग जैसे चराग से रोशनी मिलती है और सूरज से पूरी जमीन रोशन हो जाती जिस हिस्से पर सूरज निकलता ऐसे ही रसुल्ला सल्ला की लिए रोशन चराग जिस किसी को रोशनी चाहिए इस चराग का मोहताज है मोहम्मद रसोल्ला सल्लाह की तरफ देखे बगैर आप सल्लाह के अमल को सीखे बगैर कोई रोशनी में नहीं आ सकता और रसोल्ला अपनी उम्मत को रोशन रास्ते पर छोड़ गए मोहम्मद रसुल्ला की शराइत में से कि अकीदा रखें कि रसुल्ला अपनी उम्मत को रोशन रास्ते पर छोड़ गए लोग कहते हैं तीस पारे तो महफूज हो गए दस बकरी खा गई थी इसका मतलब क्या है कि कुछ चीजें मुश्तबे हैं कुछ लोग कहते हैं सीना बसीना बातें भी हैं जो मुंतकिल हो रही हैं ये इलम लदुन्नी है जो आपको वो लोग बता सकते हैं जो बातनी इल्म रखते हैं कोई चीज इस दिन में छुपी भी नहीं है तमाम चीजें मोहम्मद रसोला वसल्लम वाजे करके गए ये अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए कि हमारे पास इलम लदुनी हमारे पास वो इल्म है इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता जब रब ने कह दिया आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन तुम पर मुकम्मल कर दिया रब की बात झूठी नहीं हो सकती सारे इंसान मिल जाए तब भी रब ही की बात सच्ची है तो रब ने यह बता दिया कि अब दीन में ना कमी की जरूरत है ना इजाफे की दीन मुकम्मल है दिन में किसी किस्म का कोई झोल कोई इबाम नहीं है शुभ वाली बात नहीं है दूसरी बात लाला की बुनियादी शराय में से ये है की शहादत मोहम्मद रसोल्लाम की वही शरायत है जो लाला अल्लाह की शराय मसलन ला इला कहने की पहली शर्त है इल्म इल्म के मानी हमने देखे ला लाला के मानी का इल्म होना तो मोहम्मद रसोल्ला और ये मोहम्मद के रसोल दूसरे रहनुमाओं की कैसे नफी होती है सिर्फ एक अल्लाह के रसूल ही हमारे सच्चे रहनुमा हैं, बाकी जो रहनुमा बना लिए उन रहनुमाओं को मोहम्मद रसोल्ला के मुकाबले में नहीं लाया जा सकता दूसरी चीज है यकीन यानी इस बात पर यकीन करना के नबी वसल्लम ही अल्लाह की जानिब से आए हमारे लिए रसूल बनकर आए जो आपने तालीमा दी वो सच्ची थी अपनी तरफ से नहीं थी वो अल्लाह ही की दी हुई तालीमत तीसरी शर्त है कबूल यानी और बातनी तौर पर मोहम्मद रसोला के तकाजों को कबूल करना चौथी चीज है इनकिया फेल से इत करना यानी नबी सल्लाह वसल्म के अहकाम पर आपकी तालीमत पर अपने अमल से पैरवी करना पांचवी चीज है सिद्ध यानी रसूलुल्लाह की गवाही देने में इंसान इतना सच्चा हो कि झूठ और निफाक के मुनाफी हो छठी चीज है अखलास यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देने में इंसान इतना मुखलिस हो के जो आपने किया वो बरहक आपने जो रास्ता इंसानियत को दिखाया वो बिल्कुल सीधा आपकी तिबाह में इंसान मुखलिस खोट शामिल न करे आधी आधी इतबा कर ले आधी आधी मर्जी शामिल कर ले अपनी या और की सातवीं बात है रसुल्ला सल्ला से मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत के साथ और इसी तरह से जैसे हमने ये लाला की शराय देखी मोहम्मद रसोल्ला सल्लाम की शराय भी देखी तीसरी बात है मोहम्मद रसुल्ला सल्ला की मोहब्बत वाजिब है यानी आप इस मोहब्बत से निकलते हैं तो इस्लाम से निकलते हैं ये मोहब्बत कितनी बाप से बढ़कर बेटे से बढ़कर भाई से बढ़कर अपने घर की मोहब्बत से अपनी तिजारत से बढ़कर दुनिया के हर इंसान से बढ़कर मोहम्मद रसुल्ला सल्लाहलम से मोहब्बत करना वाजिब है इसका मतलब यह है कि रसोल्ला जब तक हर चीज से ज्यादा महबूब नहीं हो जाते उस वक्त तक लाला मोहम्मद रसोल्ला सलाम की शराय पूरी नहीं होती ये सही बुखारी की पंद्रह नंबर रिवायत से देख सकते हैं चौथी शर्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत वो ये है नंबर एक कसरत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा करना यानी जिससे मोहब्बत है उसका तस्करा होता है तस्करा करना शराय में से रसूलुल्लाह की रिसालत पर वो शख्स कैसे ईमान रखता है जो रसुल्ला का तस्करा ही नहीं करता आपस में एक दूसरे का ही तस्करा करता रहता दूसरी चीज है रसूलुल्लाह की मुलाकात का शौक रखना ये शौक उस दौर के लोगों को भी था आज ये शौक कैसे पूरा हो सकता है आपकी जियारत ख्वाब के जरिए से हो जाए या आखिरत में रसूलुल्लाह की कुर्बत नसीब हो जाए ये मुलाकात का शौक रखना मोहम्मद रसोलम की शरायत में से यानी हम उस वक्त तक नबी वसल्लम पर कामिल ईमान नहीं रखते जब तक के मुलाकात का ये शौक नहीं रखते मोहब्बत की अलामत में से इसी तरह तीसरी चीज है रसुल्ला से बुग्ज रखने वालों से बुग्ज रखना और आपसे मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखना यह मामला भी बड़ा सीरियस नौत का है रसुल्ला से आज की दुनिया में कौन है जो बुग्ज़ रखता हो वो सारे लोग जो मोहम्मद रसुल्ला की शख्सियत को मशक करने के लिए कार्टून शाया करते हैं या आपकी शख्सियत पर मुख्तफ ब्लेम आयद करते हैं दुनिया में कितने लोग थे जिन्होंने रसुल्ला की इज्जत का दिफा करने के लिए जाने तक कुर्बान कर दी दाव पे लगा दी जिसने रसुल्ला के खिलाफ जुबान खोली उसका सर कलम करने को दौड़े किस तरह से अदालतों में मुकदमे चले शहरे लाहौर में गाजी इल्मुद्दीन शहीद रोड जो है वो इस बात की गवाह है रंगीला रसूल के खिलाफ उस शख्स ने अपना काम कर दिया था तो ये यानी रोड जो है ये उस शख्स की गवाही के तौर पर है कि उसने मोहम्मद रसुल्ला सल्ला से मोहब्बत जाहिर की थी कि कैसे हो सकता है कि मेरे रसूल के खिलाफ कोई बात की जाए तो मैं बर्दाश्त कर करूं तो जो शख्स मोहब्बत रखता है उसे रसुल्लाह के दुश्मनों से पूरे तरीके से बुग्ज रखना चाहिए यानी आपकी अपनी जात पर एक बात कोई कह दे आपके दिल में बुग्ज पैदा हो जाए और रसुल्लाह के खिलाफ सारी दुनिया उठ खड़ी हो और बुग्ज पैदा ना हो कहा है रिसालत पर ईमान रिसालत पर ईमान हो ही नहीं सकता ये शरायत में से रसल्लाह के दुश्मनों से बुग्ज रखना जिसके दिल में मोहम्मद वसल्लम का बुग्ज है वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता उसके बारे में हमारे दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं हो सकता उससे बोझ रखना उससे दुश्मनी रखना और उसके खिलाफ उठ खड़े होना यह हमारी जिम्मेदारी है इसी तरह आपसे मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखना जैसे रसुल्ला के असाब से मोहब्बत रखना यह ईमान का हिस्सा है इसी तरह से जितने लोग जिस दौर में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले हैं उनसे मोहब्बत रखना ये ला इलाहा इल्लल्लाह की शरायत में से अल्लाह वालों से मोहब्बत की बात तो समझ आती है रसूलुल्लाह से मोहब्बत रखने वालों से भी मोहब्बत रखना शर्त यह है कि मोहब्बत इन शरायत के मुताबिक हो इन शरायत से बाहर नहीं कि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह रसुल्लासम का दीन बदल दें या जो रसोला वसम का मकाम बदल दें उनसे मोहब्बत नहीं उनसे बुख्त रखना जरूरी है क्योंकि उन्होंने दीन की असलियत को बिगाड़ दिया मिसाल के तौर पर रसुल्ला से मोहब्बत का तकाजा करने वाले कहते हैं काबे की अजमतों का मुनकर नहीं हूं मैं काबे का भी काबा मीठे नबी का रोजा यानी अल्लाह को भी गोया एक काबे की जरूरत है जिसमें तवाफ होता है और मोहम्मद रसुल्ला नउजुबिल्ला और अर्श उला से आला मीठे नबी का रोजाफर कि वो अर्श जो है वो बहुत आला है लेकिन रसुल्ला का रोजा उससे ज्यादा बुलंद है इससे बड़ा क्या शर्क हो सकता है ये मोहब्बत नहीं है ये दीन को बिगाड़ने का प्रोग्राम है रसुल्ला सल्ला का मकाम सारी इंसानियत से बुलंद है कोई शुबा नहीं लेकिन अल्लाह से बुलंद नहीं अल्लाह तला की जात सबसे बड़ी है और कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो शौरी तौर पर इस हकीकत को समझने के बाद इस शिरक को ना समझ सके ये वाज तौर पर शिरक है इसी तरह से अलैहि वसल्लम के अखलाक की पैरवी करना यह रसूलुल्लाह पर ईमान लाने की शराय में से क्योंकि आप वसल्लम ने फरमाया इन नमा उमा मकारी अखलाक मुझे तो मकार में अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया